बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जमनाए बुर्ज चौसा, आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर के महीने के हवाले से बात करेंगे कि ये महीना कैसा रहेगा, नर्जिस कैसी रहेंगी। तो जमनाइज, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना समझा जा रहा है, क्योंकि ये महीना आप लोगों के लिए बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। इस महीने में आप लोगों को आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिलेंगे। तो जेमिनाइज, देखिए अक्टूबर के महीने में आप लोगों ने खुद को मजबूत रखना है, क्योंकि अक्टूबर का महीना आप लोगों को थोड़ा थकाएगा, भगाएगा, आप लोगों से मेहनत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन उसके रिजल्ट भी आप लोगों को नज़र आएंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अगर आप कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा। और वो तमाम लोग जो पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर तो आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए, ऐसी तमाम कोशिशों के लिए, ऐसे तमाम रिसर्च वर्क के लिए, ऐसी तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा, आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके फाइनेंसेस बेहतर हो जाएंगे, पैसों के मामलात अच्छे हो जाएंगे। तो काम की जगह पर अक्टूबर के महीने में आपको कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर आपके कामों की तारीफ की जा सकती है। तो इसलिए आप लोगों को अक्टूबर के महीने में छोटी छोटी कामयाबियां भी मिलेंगी, और इस वजह से आप लोग अपनी जाती जिंदगी में कम अज कम सेटिस्फाइड रहेंगे, मुतमिन रहेंगे। पहले अगर आपका जहन इधर उधर भागता रहता था, परेशान रहता था, कंफ्यूज रहते थे, तो अक्टूबर के महीने में यहाँ से मामलात बेहतर हो जाएंगे। दूसरा, घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, बहन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके आसपास के लोग, आपके बहन भाई आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आपके आसपास का जो माहौल है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, काम की जगह पर मामलात बेहतर नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन सारा एक आइडियल किस्म का माहौल होने के बावजूद भी केतु की पोजीशन ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। राहु केतु आपको बुरे ख्यालात दे सकते हैं, कुछ तंग करने वाले ख्यालात, कोई परेशानी, या आपके जहन पर कोई एक बात आपको मुसलसल दबाव दे सकती है, परेशान कर सकती है। और अगर हम आप लोगों की लव लाइफ को देखें, मोहब्बत के मामलात को देखें, तो अक्टूबर का महीना इस हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने में आपकी उस इंसान से मुलाकात हो सकती है कि जिससे आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, या फिर आपकी शादी बात चल सकती है, या फिर मंगनी तय हो सकती है। और वो तमाम जेमिनाइज जो मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, मियां बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, रिश्ते में एक दूसरे के ज़्यादा करीब रहेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, तो शादीशुदा ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी। रिश्तों के हवाले से भी ओवरऑल मामला हर तरह से बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, सेहत का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर वो तमाम जौजी लोग जिन्हें एलर्जी के मसाइल रहते हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस महीने में एलर्जी जैसे कुछ मसाइल सर उठा सकते हैं। और वैसे भी अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए खुशगवार हैरतों से भरपूर महीना रहेगा। इस महीने में बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम, बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको हैरान कर दें, और ये हैरानगी परेशानी वाली नहीं, खुशी वाली हो सकती है।
तो ओवरऑल अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना रहेगा, खुशगवार महीना रहेगा, बहुत बेहतर महीना रहेगा। और इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप कोई ज़िक्र अजगार करना चाहते हैं, वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं या कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो जेमिनाइज, ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा महीना नज़र आ रहा है, एक एनर्जेटिक महीना नज़र आ रहा है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर रबता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।